सकते हैं कि ये घर है, ये कोई नदी नहीं है, ये घर है और चारों तरफ घर में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग नाव के सहारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ पर सोएंगे या कहाँ पर खाएंगे, इस चीज़ का कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं किया गया। इस वक्त मटिहानी विधानसभा में है और यूँ कहें तो यहाँ के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। जहाँ एक तरफ पशु का चारा नहीं मिल रहा है, वहीं पर खुद खाने का जहाँ पर लाचार है वहाँ पर पशु का भी चारा नहीं मिल रहा है, आने जाने की व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो यहाँ के लोग दोहरी तेहरी मार से झेल रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से इधर पानी घुसा हुआ है, देखिए कि कुर्सी लगाकर पानी में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि कितना परेशानी का झेलना पड़ रहा होगा वो आप समझ सकते हैं कि देखिए इस तरह में किस तरह से पानी प्रवेश कर चुका है। लोग घर छोड़कर पलायन हो चुके हैं, जिनके पास सुविधा था वो पलायन हो चुके हैं, जिनका पास सुविधा नहीं था वो यहीं पर किसी तरह से रह रहे हैं। आप देखिए कि चारों तरफ ये सामुदायिक भवन है शायद लगता है, और इसमें पानी प्रवेश कर चुकी है, पूरी पानी प्रवेश कर चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि 2-3 दिन से आज से पानी कुछ कम हुआ है। आपको शायद लगता होगा कि हम कोई नदी में हैं या कोई ऐसे जलस्तर पर हैं या वाटर पार्क में हैं लेकिन या स्विमिंग पूल में, ऐसा कोई बात नहीं है। हम मटिहानी के चकोर गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है घर से बिछड़ा हुआ गाँव है। लगभग कहा जाता है कि 150 से 2500 तक गांव होगी इस बस्ती में। आप देखिए कि घर में पानी प्रवेश कर चुका है, पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। आपको लगता होगा कि शायद हम नदी में हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये गांव है, ये हकीकत है, ये गांव है। आप आइए कि देखिए कि इस घर में पानी प्रवेश कर चुका है। आइए थोड़ा आगे आइए, तो देखिए कि इसमें पानी प्रवेश कर चुका है। इसमें कैसे लोग रहते होंगे इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए इधर आइए, दिखाते हैं हम। और देखिए कि पूरा ये गांव बस्ती है, कितना सारा घर है, इसमें पूरा पानी प्रवेश कर चुका है, पूरी तरह से पानी प्रवेश कर चुका है। गंगा का उफलती जल प्रभाव जिस तरह से हंसते खेलते जगह पर अपनी जगह ले ली है, यहाँ पर लोगों को रहना दुर्लभ हो गया। कैसे लोग रहते होंगे, कैसे रात को सोते होंगे, इस चीज़ को आप यकीन कर सकते हैं। देखिए कि किस तरह से पानी प्रवेश कर चुका है। आइए इधर देखिए कि गली में भी पानी है। आगे आइए, हम दिखाते हैं। देखें कि इस घर में पानी प्रवेश कर चुका है। और कैसे लोग कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, कहाँ रहेंगे आखिरकार। आपके घर में पानी प्रवेश कर चुका है, दुकान में पानी। आइए आइए अंदर आइए, दिखाइए। दुकान में पानी है। देखिए ये घर है, कोई वाटर पार्क नहीं है या स्विमिंग पूल नहीं है, ये घर है और ये घर में पानी प्रवेश कर चुका है जहाँ लोग रहते हैं। देखिए कि चारों तरफ जितना भी घर है उसमें पानी प्रवेश कर चुका है। इस तरह देखिए दुकान है, इस दुकान में आप देखिए कि किस तरह से ऊपर सब सामान ऊंचाई जगह पर रख दिए हैं, लेकिन पूरी तरह से इसमें भी पानी प्रवेश कर चुका है। आइए हम जानते हैं कैसे रहते हैं, ये दिखाते हैं। देखिए ये गेट खोले हैं, जैसे ये कपड़ा का दुकान है, देखिए आप कपड़ा का दुकान है, ये कपड़ा का दुकान है, पूरी तरह से पानी प्रवेश कर चुका है। अगर सामान नीचे आ गया तो जो लोग मजदूरी करके किसी तरह से अपना बिजनेस चला रहे हैं, अगर इसका नुकसान हो जाएगा तो इसका कौन भरपाई करेगा। नुकसान होगा क्या, नुकसान हो रहा है। हालांकि कैसे आपके घर में पानी प्रवेश कर चुका है, कैसे रहते हैं? बड़ी मुश्किल से रहते हैं, पूरा घर में पानी है, छत पर रहते हैं पूरे बाल बच्चा के साथ। छत में रात में बारिश आ जाएगा तो उस पर रूम बनाए हुए हैं, पन्नी उन्नी टांग के रखे रहते हैं किसी तरह। कोई सरकारी प्रशासनिक मदद मिला है? कोई यहाँ तो कोई देखने के लिए नहीं आता है, जो भी आता है उधर से बांध की तरफ से ही चला जाता है, इधर कोई देखने के लिए नहीं आता है। देखिए ये इतना निचले इलाका है कि बहुत अंदर प्रवेश हो जाता है, अगर हम बात करें तो काफ़ी अंदर आ जाता है। लोग यहाँ कोई भी प्रशासन या नेता यहाँ आने से भी डरते हैं, चूँकि ये काफ़ी निचला इलाका है और चारों तरफ से पानी प्रवेश कर चुका है। आइए दिखाते हैं, देखिए कि आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दुकान में पानी घुस चुका है। आप देखिए किस तरह से घर है, हजारों बस्ती है, ऐसा नहीं है कि बस्ती नहीं है, हजारों बस्ती है, लोग फिर भी रह रहे हैं। आइए आगे आइए, देखिए इस घर में देखिए कि यहाँ पर भी पूरा पानी है। कैसे रहते हैं बाबा? अरे बड़ी दिक्कत में भी हैं, बहुत दिक्कत में। बच्चे लोग भी यहीं हैं, बताइए कि इसका पढ़ाई लिखाई भी बंद होगा? सब बंद है, बिल्कुल बंद है एकदम। बच्चा कैसे रहता है, डर लगता होगा रात को? रात में डर, दिन में रहता था, रात को अलग बात। दिन में डर लगना वास्तविक। आप देखिए कि हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में आए थे तो मेरा इतना पानी हो रहा है कि ग्राउंड थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर कोई नेता के द्वारा कोई मदद? देखिए हमारे नेता तो यहाँ जो थे न, क्या कहते हैं, नाव और क्या चीज़ सरकार आपके द्वारा दिया गया है? देखिए पर्याप्त मात्रा में प्रशासन और सरकार के द्वारा
इस आपदा से निपटने की तैयारी की गई है और सभी जगह आप देख रहे होंगे कि कम्युनिटी किचन चल रहा है, नावों की व्यवस्था है। लेकिन जब इस तरीके की आपदा आती है तो इसमें जन सहयोग, सभी लोगों का सहयोग यदि मिलता है तो प्रशासनिक सहयोग और ताकतवर दिखता है। हम सब लोग को आपदा की स्थिति में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहा है। जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। अभी